कृपा का भक्त वात्सल्य स्वरूप के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली बन गए। राजा जल चढ़ा रहे थे, हाथ में आ गए, मछली को गिराया तो नन्ही सी मछली बोल पड़ी, हमें यहाँ मत छोड़ो, कोई बड़ा मत्स्य खा ले जाए। लेकर के घर आए तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। राजा ने पूछा, आप कौन है महाराज, मछली तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, राजा तुम पहचान नहीं पाए, आज से 7 दिन के पश्चात पृथ्वी का महाप्रलय होगा, उस समय सारी धरती जलमग्न होकर समाप्त हो जाएगी, तब मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसी रूप में आऊंगा, मैं संपूर्ण विश्व का स्वामी। और जब 7 दिन के पश्चात धरती जलमग्न हुई, तब मत्स्य उधारी भगवान आए और सत्यव्रत की रक्षा किए। मत्स्य भगवान भैया, ये केवल हमारे सनातन धर्म की विशेषता कि हमारे यहाँ ठाकुर जी को हर रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी को मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, सुअर के रूप में, शेर के रूप में, हर रूप में हम भगवान को देखते हैं। अजी ये सब तो चलने फिरने वाले हैं, खड़ा हुआ पेड़ पीपल, उसको हम वासुदेव भगवान करके प्रणाम करते, छोटा सा पौधा तुलसी का, तुलसी माता लक्ष्मी माता करके प्रणाम करते। हमारे सनातन धर्म में अन्न को भी पांव नहीं लगाते, अन्न ब्रह्म है। बहती हुई नदी को भी गंगा माता कह करके प्रणाम करते हैं। तो कहेगा लिफाफा यहाँ नहीं मिलता है, इंस्पेक्टर कहेगा लिफाफा डाकखाने में मिलेगा, तो तुम्हारा भारत सरकार का कार्य नहीं है तो, लेकिन डिपार्टमेंट दूसरा है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी तो एक ही है, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट बांट दी, ये काम करना है तो उस विभाग में जाओ, इस काम करना है उस विभाग में जाओ। इसके साथ साथ भी भगवान ने कई रूप बना लिए, जिसको जो पसंद है उसी रूप की पूजा कर। आपको वीरता से प्रेम है तो धनुष बाणधारी राम जी की पूजा करो, आपको मधुर हास्य रस प्रीति रस और संगीत से प्रेम है तो मुरलीधर कन्हैया से प्रेम करो। हाय वही वही राम जी वही कृष्ण। और भाई मात्र रूप में उपासना करना चाहते दुर्गा की करो, है वही। और यदि प्रत्यक्ष प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हो सूर्य की उपासना करो, वो भी एक पद्धति है, सौर उपासना पद्धति, पंचदेव उपासना हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत। अब रह गए गणेश, गणेश जी कहते हैं नहीं है, जैसे वैवस्वत मन इसलिए कहा गया, स्वयंभू इसलिए कहा गया, स्वयंभू से हुए वैवस्वत इसलिए कहा गया कि विवस्वान जो विवस्वान नाम है सूर्य देव का, सूर्य देव के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मन कहे गए। गीता जी के 4th अध्याय के 1st श्लोक में भी श्री भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मन वेपा प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीतो। हे अर्जुन, आज मैं जो तुझको ज्ञान सुना रहा हूँ, ये मैंने प्रथम वैवस्वत मन को, विवस्वान को, फिर उनको पुत्र मन को, और इस तरह परंपरा बहुत दिन तक चला, लेकिन सकाले ने माता योगो ने परम बहो। तो वैवस्वत मन की कथा को शुरू कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, ये सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इस वंश को सूर्य वंश भी कहा गया, इस वंश को मन वंश भी कहा गया, सूर्य वंश भी कहा गया, और इन्हीं के वंश में हम आप सबका जन्म हुआ है,
इसलिए हम सबको मनु का वंशज होने के कारण मानव कहा जाता है। मनु के संतान होने के कारण हम सब लोग मानव कहलाते हैं। मनु जी महाराज के संतानों के माध्यम से भगवत अवतारों और भक्त चरित्रों को कहा गया, क्योंकि कहिबे को दो ही सुघर कह हरिदास, दो ही की कथा कहने में जीव का कल्याण है, या तो श्री हरि या श्री हरि के दासों की कथा। और भक्तों, वैवस्वत मन महाराज के पुत्रों में या सत्युण की कथा सुनाने के उपरांत महाराज सुखदेव जी शर्यात की कथा सुनाते। शर्यात जी अपनी बेटी सुकन्या को लेकर के वन में विचरण करने बहुत सी प्रजा के साथ गए थे धर्मानुष्ठान पूजा पाठ करने। वहां पर एक संत को कष्ट दिया। किसने? सुकन्या ने, अनजान, जानबूझ के नहीं। वो संत समाधि लगाए बैठे थे बहुत दिनों से, सारा शरीर दीमक की बांबी से भरा हुआ, केवल दो आंखें खुली थी, उन्हीं आंखों में बच्ची कौतूहल बस कांटे चुभो दी। और जब वहां से घर लोग चले तो सबको मलमूत्र का वेग सताया, किंतु मलमूत्र के छिद्र बंद हो गए शरीर में और सब छटपटाने लगे। ऐसे समझ लो जैसे किसी को स्टोन हो जाए, पत्थरी की बीमारी, और वो आकर के बिल्कुल ही यूरिन की जो ट्रैक है उसमें फंस जाए, यूरिन वेसल में, और तब वो मूत्र वेग से परेशान हो, किंतु वो स्टोन उसको पेशाब में करने से तो छटपटाहट होती है। ऐसे सबके सब चिल्लाने रोने लगे, मलमूत्र का वेग तो परेशान कर रहा और द्वार बंद। तब महाराज शर्यात ने पूछा, किसी ने कोई महत्व अपराध किया? सुकन्या ने बताया, पिताजी मुझसे गलती हुई, मैंने दो जुगनू जैसे देख के कांटा डाले, खून निकल आया, पता नहीं क्या। वो ले गए, उन्होंने कहा, बेटी ये तो च्यवन ऋषि, अब तू ही इनकी सेवा कर। महाराज च्यवन के चरणों में सुकन्या रहने लग गई। इन्हीं की कृपा से बाद में महाराज अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमरस मिला, और अश्विनी कुमारों की कृपा से च्यवन ऋषि को नव यौवन प्राप्त हुआ। ये कथा सुनाते हैं। पुनः इसी वंश में मनु जी के संतान में एक संतान वृषभद्र थे। वृषभद्र जी महाराज ने गोरक्षा के हेतु रात में आए हुए सिंह को मारना चाहा, तलवार सिंह के कान को काटी और तलवार ने गौ की गर्दन काटी। गुरुदेव ने कहा, निकल जा तू अयोध्या से, तू कोई राजा नहीं, वो व्यक्ति राजा कहलाने लायक नहीं है जो गो हत्या करता है, इसलिए भाग गया। और अब तो एक एक दिन में लाखों लोगों की हत्या राजा लोग करवा रहे हैं, विदेश की बात छोड़े हिंदुस्तान में। लेकिन इस विषय में हम आपको विस्तार से समझाएंगे गोपाल की जब कथा आएगी। तो महाराज वृषभद्र को निकाल दिया गया वो हत्या अनजान में होने से, और मनु जी के एक और पुत्र थे, उनका नाम नभक था। उनके भाइयों ने उनको अलग कर दिया, तो उन्होंने एक मंत्र के द्वारा शिव महाराज भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभागाद अंबरीशो भूत, नाभाग के पुत्र हुए अंबरीश जी महाराज। अंबरीश की भक्ति बहुत महान थी, इनकी भक्ति ऐसी थी कि सब काम भगवान का अपने हाथ से करते थे। कल मैं आपको बताया कि भगवान की सेवा हमको आपको अभिगमन, अब तो भूल गए होंगे, पांच शब्द बताए थे, अभिगमन, इज्जा, उपादान, स्वाध्याय और योग। इन पांच सूत्रों के द्वारा भगवान की सेवा करोगे तो रात दिन भजन होगा। महाराज अम्बरीश रात दिन भगवत सेवा करते थे। आप कहेंगे राज्य कार्य कब करते थे? अरे राज्य कार्य भी भजन का ही काम था। जैसे भरत जी महाराज राज्य कार्य करते हैं नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का शासन, लेकिन वो अयोध्या का शासन भी राम का भजन था। संपति सब रघुपति कहलाती इस भावना से। ऐसे
श्री अम्बरीश राजा का कार्य करते हैं, किंतु राजा के कार्य में भी भगवत भक्ति थी। और महाराज एक बात सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश अपने हाथ से चक्की चलाते थे भगवान के लिए रोटी बनाने। अब कौन चलाएगा? अपने हाथ से चक्की चलाते थे ठाकुर जी के लिए आटा बनाना है, रोटी तैयार करनी है। अब तो घर में कुछ दौलत हो जाए, 10-20 अच्छी इंडस्ट्री चलने लग जाए, तो मंदिर की सेवा हम नहीं करेंगे। मंदिर तो बना दिया, इससे लोग देखते हैं कि हमारे बंगले में मंदिर है, हम नास्तिक नहीं है। लेकिन मंदिर का काम तो नौकर करेगा, नौकर को पुजारी नाम तो जरूर दे दिया है, किंतु घर का सब काम उनसे करवाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि आपने पुजारी की नियुक्ति की है मंदिर में, तो वो नौकर केवल ठाकुर जी का है, वो तुम्हारा नौकर नहीं। तुम उससे अपने बंगले का, अपने घर का, अपने दुकान का, अपने मकान का काम यदि लेते हो, तो तुम अपराध करते हो, पाप करते हो। वो नौकर, वो पुजारी के नौकर हैं, लेकिन ठाकुर जी के नौकर तुम्हारे नहीं। तुम अपने हाथ से अपना काम नहीं कर सकते हो, तो और नौकरों से करवा लो, लेकिन मंदिर का काम अपने हाथ से करो तो सबसे अच्छा। हम अपने हाथ से भगवान का काम क्यों नहीं करते? कारण ये है कि भगवान से हमारा प्रेम है, प्रेम। और बिल्कुल सच्ची बात है, यदि प्रेम हो तो प्रेमी अपने प्रियतम का सारा काम अपने हाथ से करना चाहता है। चाहे कोई माता हो, चाहे कोई पुरुष हो, यदि उनको किसी से प्रेम है, हम ये नहीं कर रहे कि भगवान से, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से मान लो प्रेम, चाहे जिससे हो, जिससे प्रेम होगा अधिक प्रेम होगा। कई रानियां थी उनकी, अब ये नवीन पीढ़ी के लोगों को खटके लिए बात कि बड़ी बड़ाई तभी करने के लिए आई थी, विवाह मंडप में फेरे एक के साथ ही हुए थे उनके, और के साथ केवल तलवार गई थी परिक्रमा के लिए मंडप में, और उन्होंने कह दिया था कि तुम हमसे विवाह करती हो, लेकिन ये विवाह भक्ति के लिए हो तो ठीक। और महाराज ऐसी ऐसी देवियां थी जो भक्ति के लिए उनके चरण चरण में आए। उन लोगों ने भगवान के सम्मुख प्रार्थना, पहले तो राजा से कहा कि कुछ सेवा हमको भी दीजिए, राजा ने मना कर दिया। फिर भगवान से कहा, भगवान ने अम्बरीश जब भगवान की पूजा करने लगे और ठाकुर जी को मुकुट पहना रहे थे, मुकुट पहना के फिर गले में माला पहनाए, तब तक भगवान धीरे से बोले, अम्बरीश कुछ सेवा रानियों को भी दे दो, सब तुम ही कर दो, थोड़ी सेवा राजी को भी दे दो। अब सोचा अम्बरीश ने भगवान कहें तो सेवा न दू तो ठीक है, तो महाराज कौन सी सेवा दे दो? देखो रोटी बनाने के लिए, पूरी पुआ बनाने के लिए आटा तैयार करते हो ना चक्की चला के, ये आटा तैयार करने की सेवा रानी को दे, चक्की वो चला। रानियां खुश हो गई, आटा तैयार करने लग गई। एक दिन महाराज पुआ बना भगवान का भोग, और वो प्रसादी पुआ थी, जब उन्होंने पाई मुख में पुआ का टुकड़ा रखा, पुआ में साबत गेहूं आया, वो साबत गेहूं बूढ़े महाराज के दांत से किट से किया, दांत में दर्द हो। राजा घबरा गए कि जैसे मेरे दर्द हुआ है, ऐसे मेरे ठाकुर जी को हुआ हो। ये भक्त का चिंतन, उन्होंने सोचा कि बस जैसे मेरे प्रभु को दर्द हुआ, अब तो बहुत अपराध हुआ, क्या करूं। दौड़े, पानी गर्म किया, रुई भी बोया, गर्म गर्म पानी की रुई से भगवान के मुख की शिकाई की, दांत में दर्द है, दर्द दूर हो जाए। फिर इसके बाद रानियों को कह दिया, नहीं अब कोई तुम लोगों को आटा की सेवा नहीं मिलेगी, अब तुम लोग भगवान की सेवा से वंचित हो गए। अब रानी सब रोने लग गए, उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना की, महाराज हमको सेवा से वंचित कर दिया।
भगवान का श्रृंगार जब करने लगे महाराज अंबरीश, तो भगवान ने फिर कहा अंबरीश रानियों को उसकी सेवा दे दो। नहीं महाराज अब मैं नहीं दूंगा, वो बहुत लापरवाह है, उन्होंने आटे में महाराज गेहूं साबुत रख दिया, महाराज उनको सफाई का बिल्कुल ज्ञान नहीं और कुएं में आ गया और आपके दांत में दर्द हो गया। भगवान ने कहा उसमें गलती उनकी नहीं, तो महाराज उनकी गलती नहीं तो फिर किसकी गलती। भगवान ने कहा उसमें गलती तुम्हारी, अरे प्रभु मेरी गलती कैसे। बोले मैंने कहा था गेहूं पीस कर आटा बनाने की सेवा उनकी रहेगी, लेकिन आटा छानने की सेवा तो मैंने नहीं कही थी, आटा छानने की सेवा तुमने क्यों नहीं ली अपने हाथ में। चरणों में गिरे अम्बरीश, हाँ प्रभु मेरी गलती, अब ये सुधार मैं करता हूं। सारा कार्य भगवान का करने में कुछ भी काम हो अम्बरीश को आनंद मिलता, करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकार सत कथोदय। समय से कथा सुनते हैं, समय से उठकर झाड़ू लगाते हैं, समय से उठकर के ठाकुर जी के बर्तन मांजते हैं। साधु लोग बर्तन नहीं बोलते, तो आपको समझाने के लिए बोल देते हैं। साधु लोग बोलते हैं पार्षद, भगवत पार्षद कहानियां करते हैं, ये साधुओं की बोलते हैं। भगवान के बर्तन मांजते ऐसे नहीं बोलेंगे, हम चित्रकूट में अयोध्या जी में कथा करेंगे, चित्रकूट में वृंदावन में कथा करेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे आपके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादातर संत लोग श्रोता होते हैं, उनको खराब लगेगा कि महाराज जी कैसे बोल रहे हैं, तो फिर उनकी बोली में बोलना पड़ता है। अब आप लोगों के सामने उन्हीं की बोली में बोले तो आप समझ नहीं पाओ। भगवान के पार्षद को अमानिया करते हैं, अर्थात ठाकुर जी की सेवा में जो बर्तन है उनको मांजते। महाराज अम्बरीश को किसी में लाज शर्म नहीं है, क्योंकि ठाकुर की सेवा है, वो चौका लगा रहे हैं, कपड़े में मिट्टी लग रही है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं का सेवक, महाराज प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत से मंत्री आ रहे हैं, महाराज कपड़े अच्छे अच्छे पहन लीजिए। अम्बरीश ने कहा भूख है, सेवा भगवान की कर रहा हूं, जिनकी सेवा करने के लिए शरीर मिला है उनकी सेवा छोड़ करके हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाएं कि हम राजा है, अरे जब दरबार में जाएंगे तो पहन लेंगे कपड़े, क्योंकि सेवा ही प्रधान है। अम्बरीश जी महाराज की भक्ति का गुणगान नारद जी ने देवलोक में जाकर के किया है, श्रीमन नारायण नारायण का अवतार बताया गया है, बिल्कुल क्रोध के ही अवतार, श्राप देने में उनको देरी नहीं लगती, बिल्कुल बटुए के अंदर पास नहीं रहता है श्राप, निकाल के तुरंत सामने उपस्थित, सोचना भी जाना नहीं पड़ता है। कभी कभी महाराज ऐसा आचरण भी कर देते हैं कि बड़ा संदेह हो जाता है कि ये महात्मा है भी सही कि नहीं। यहाँ कथा कुछ ऐसी अटपटी, दुर्वासा जी के सम्मुख जब अम्बरीश की बड़ाई की है नारद जी ने, तो दुर्वासा चल घूम के राख हो गए, चलो हटो इतनी बड़ाई गृहस्थ की करते हो, साधु वो करके हम महात्माओं के सामने गृहस्थ की बड़ाई। नारद जी ने कहा महाराज आपको बुरा लगे तो हम क्या करें, लेकिन गृहस्थ एक संत होगा, भक्त होगा, महान होगा तो बड़ाई तो मैं करूंगा ही करूंगा। कोई साधु वेश बना लिया है और उसके अंदर उतनी भक्ति नहीं तो मैं कैसे बड़ाई करूं। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा, दुर्वासा जी ने कहा मैं उसकी भक्ति देखता हूं कितनी, एकादशी व्रत की महिमा बताया, उसका एकादशी व्रत खंडित कर दूंगा, फिर देखता हूं उसकी कीर्ति कहां तक जाती है, झूठ मूठ में कीर्ति फैला रहे। महाराज पंचांग में देख करके ऐसी एकादशी तलाश किए जिसमें पारण का समय थोड़ा ही था, उसके थोड़ा पहले आए और चले गए स्नान करने, बोले भोजन आपके घर, पारण का समय निकल जाए तब वापस आने का मन में निश्चय है। इधर अम्बरीश जी ने पंडितों से पूछा पारण का समय चला जा रहा है आप क्या करो, पंडितों ने कहा महाराज इस समय भगवान शालग्राम का चरणामृत पान कर लीजिए, पारण भी हो जाएगा व्रत का
और निमंत्रित विप्र को भोजन न कराने का दोष भी नहीं लगेगा, बाद में भोजन करा दे। उन्होंने शालिग्राम का चरण अमृत पान कर लिया, किंतु महाराज दुर्वासा ने ध्यान में देख लिया और वहां पे चले। वो तो बस आए थे इसीलिए, उनको तो समझाना बुझाना बेकार था, वो आए थे इसीलिए कि उनको तो उपद्रव करना। या तो ठाकुर जी की लीला इसलिए हुई कि दुर्वासा के उपद्रव के द्वारा अम्बरीश की महिमा प्रकट हो जाए। दुर्वासा ने बड़ी जोरों से जटापटक करके एक राक्षसी कृत्या उत्पन्न कहा, खा ले जाए अम्बरीश को। और जब अम्बरीश की ओर वो चली कृत्या, तो अम्बरीश जी कुछ नहीं क्रोध किए। दुर्वासा क्रोध से लाल हो रहे, तपतपा रहा है चेहरा, और अम्बरीश शांत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जिनकी भक्ति में क्रोधादि दुर्गुणों से बिल्कुल दूर भागवत प्रेम में एकदम निमज्जित हो रहे थे अम्बरीश, उन परमात्मा को उसकी चिंता है। श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, इस कृत्या को समाप्त कर। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया और अग्नि की ज्वाला उगलता हुआ कृत्या को जला कर रहा, और फिर वो सुदर्शन चक्र घूमता हुआ चला दुर्वासा की ओर। दुर्वासा जी महाराज अगे जोरों से समझ गए, मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि ये तो भगवान नारायण का चक्र है, और कहां कहां भागते, कितनी शक्ति थी उनकी। ये नहीं था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाके छिप गए, ना ना, दिशो न भक्ष्मां विवरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवंगतो सह यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। जहां जहां महाराज दुर्वासा जी जाते हैं, हर दिशाओं में आकाश की अंतरिक्ष की ऊंची ऊंची जगह पर चले गए, जहां तक क्षमता थी। विवरान गुफाओं के अंदर, समुद्रान समुद्रों के अंदर, धरती के अंदर, लोकान विभिन्न लोकों में चले गए, त्रिजीवम गतस्त तीनों लोक में चले गए, लेकिन जहां जहां गए वहां वहां दर्शन पीछा किया। नारद जी ने कहा, बाबा अब बहुत दुखी हो गया, अब आप ज्यादा परेशान हो गए हो, तो जिनका चक्र उनके पास चले जाओ, नारायण के पास जाकर के दंडवत किए, प्रभु रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा रक्षा। जो महाराज बोले, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र साधु बिर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। मेरे भक्तों ने मेरे हृदय पर कब्जा कर रखा है, मुझे उन्होंने पराधीन बना लिया, अपने अधीन कर रखा है। मैं भक्त की इच्छा के विपरीत आचरण हे दुर्वासा नहीं कर सकता हूँ, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा रो पड़े, भक्त भक्त कर रहे हो, मैं आपका भक्त नहीं हूं क्या? बोले दुर्वासा, यदि तुम मेरे भक्त नहीं हो तो होते, ये तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलता, ये वही जला के राख कर दिया होता तुमको। तुम भक्त हो इसलिए पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन तुमको चैन की सांस नहीं लेने से गए। तो महाराज मेरे लिए कोई उपाय बताइए। बोले, एक ही उपाय है, अम्बरीश के चरणों में जाओ। भक्तों, मर्यादा एक गति है कि चारों वर्ण में ब्राह्मण पूज्य, चारों आश्रम में सन्यासी पूज्य है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, वो क्या है? इन सबसे ऊपर एक चीज ये है कि भगवान की भक्ति सबसे अधिक पूज्य है। उस भगवान की भक्ति के कारण मीरा को सन्यासी भी प्रणाम करते हैं, रैदास चर्मकार को ब्राह्मण भी प्रणाम करते हैं। सभी के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन जहां भक्ति विशेष। इसी तरह से आर्य गृहस्थ अम्बरीश के चरणों में सन्यासी दुर्वासा गिरने के लिए जा रहा है, आज क्षत्रिय अम्बरीश के चरणों में ब्राह्मण दुर्वासा प्रणाम करने जा रहा है। ये धाराएं क्यों परिवर्तित हो गई संस्कृत की? सदा के लिए परिवर्तन नहीं हुआ, ये भक्ति महारानी की कृपा से परिवर्तन हुआ है।
भक्ति माता की गौरव गरिमा इतनी उच्च कोटि की है कि सारी मान्यताएं वहां पर शिथिल पड़ जाती हैं, केवल भक्ति का ही गुणगान रहता है। और अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा गिरे, अम्बरीश हाथ जोड़ के प्रणाम किए, महाराज आप उल्टा मत करिए, मैं आपको प्रणाम करूं तो ठीक है, आप मुझे प्रणाम करते अच्छा नहीं महाराज। बोले आप ये सब मत कहो, आप मेरी जान बचाओ। बोले महाराज मैं एक साल से बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि आप आइए भोजन करिए तब मैं भोजन करूँ। महाराज पहले भोजन करो। दुर्वासा ने कहा भोजन बाद में करूंगा, पहले इस चक्र को संभाल। हाथ जोड़ करके विनती किया, सुदर्शन चक्र शांत हो गए, भगवान के पास वापस चले गए। तब इसके बाद अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा को भोजन कराया। और एक कथा और अटपटी, एक कथा ऐसी मिलती भागवत जी में नहीं, इतने की तपस्या करते थे। अब नारायण की तपस्या की और नारायण दर्शन दिया तो दुर्वासा ने कहा जरा देखो ये ईर्ष्या, ये जलन, ये मत्सर, ये डाक कहां तक मनुष्य को पीछा करता है। दुर्वासा ने कहा नारायण आपका भक्त अम्बरीश इसी जन्म में मुक्त होना चाहता है, मैं आपसे वर मांगता हूं कि वह अभी 10,000 बार जन्म ले। भगवान बड़े दुखी हो गए, दुर्वासा तुमने इतना भजन किया और ये क्या मांग रहे हो। दुर्वासा तुमको मैंने वचन दिया है कि मैं वरदान दूंगा, वरदान तो दूंगा लेकिन ये वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले महाराज आपने देने के लिए कहा तो देखो मेरे भक्त का 1,000 जन्म मेरे 1 जन्म के बराबर होता है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, मेरा भक्त अम्बरीश 10,000 बार जन्म नहीं लेगा, उसकी जगह मैं 10 बार जन्म लूंगा और वो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। और इसी से ठाकुर जी ने 10 अवतार लिए अपने भक्त की सारी विपदाओं को दूर करने के लिए।